ये हमारा सिग्नेचर है, म्यूजिकल सिग्नेचर। सो लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिफोर यू एंटर इन टू द सब्जेक्ट, देर आर सम बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट द सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वॉट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज, नंबर वन इज फाइनेंस, एंड देन देयर विल बी मैनेजमेंट। बिना फाइनेंस को समझे कोई मैनेज कर सकता है? करेक्ट। सो द क्वेश्चन हियर इज, व्हाट इज फाइनेंस? व्हाट इज फाइनेंस? पहले सर फाइनेंस समझाइए, फिर मैनेजमेंट करेंगे। फाइनेंस माने, समझ गए क्या इशारा इंडिया में चल रहा है ना? आई थिंक इंडियन इशारा ही है। फाइनेंस माने मनी, मनी, मनी को हम लोग बोलते हैं वो मनी जो आपका पर्सनल यूज के लिए, उसका बात नहीं हो रहा है, वो मनी दैट इज इन सर्कुलेशन ऑफ योर बिजनेस। मनी जो बिजनेस के सर्कुलेशन में है, दैट इज योर फाइनेंस। हर बिजनेस में मनी लगा हुआ है, जिसको आप क्या नाम देते हो? बिजनेस में मनी लगा हुआ है मतलब कैपिटल लगा हुआ है, अकाउंट्स का बुद्धि चलाए तो कैपिटल लगा हुआ है। कैपिटल कम्स इन द फॉर्म ऑफ मनी, एंड दैट मनी इज नॉट केप्ट इन वन बॉक्स इन एनी बिजनेस, इट इज इन सर्कुलेशन। सो एज अ फाइनेंस मैनेजर, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज सर्कुलेटिंग, वेयर द एक्चुअल मनी इज। इफ यू गेट टू नो अबाउट दैट, देन यू कैन मैनेज इट। बिना चीज को पकड़े कोई मैनेज कैसे करेगा? जैसे एक डॉक्टर के पास जाएंगे, बोले भाई सर मेरे हाथ में बहुत दर्द है, तो जब तक उस दर्द का जो बैक्टीरिया है या जो इंजरी है, जब तक उसको पकड़ेगा नहीं, उसका डायग्नोस कर सकेगा नहीं। वैसे ही हम लोग फाइनेंस मैनेजमेंट करने आए हैं अगर, तो जब तक हम फाइनेंस को नहीं समझे, हम मैनेज नहीं कर सकते। एंड फाइनेंस मतलब मनी, मनी मतलब आपका पॉकेट में जो 100 का नोट, 1000 का, 5000 तो गया, 2000 का नोट पड़ा हुआ, उसका बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। बात करें फाइनेंस मतलब दैट मनी विच इज इन सर्कुलेशन ऑफ बिजनेस। नाउ मैं ऐसे भी नहीं लिखा कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट मनी दैट इज इन बिजनेस। मैंने इसलिए एक वर्ड चूज किया, मनी सर्कुलेशन इन बिजनेस। बिजनेस में रुपया कभी भी एक जगह नहीं है, रुपया घूम रहा है चारों तरफ। वो रुपया को खोजना पड़ता है, कहां कहां है एक बिजनेस में रुपया, कहां कहां है। वो मनी अपना रूप चेंज कर लेता है, इट चेंजेस इट्स फॉर्म, इट चेंजेस इट्स आइडेंटिटी। कैसे? दिस मनी एंटर्स इनटू योर फिक्स्ड एसेट्स। जैसे मान लीजिए यहां पे ये कीबोर्ड है, है ना? ये कीबोर्ड अगर है तो आपको कीबोर्ड दिख रहा है, अकाउंटेंट को एसेट दिख रहा है, एक फाइनेंस मैनेजर को मनी दिख रहा है। थोड़ा सोच को चेंज करना पड़ेगा। फाइनेंस मैनेजर को क्या दिख रहा है? मनी दिख रहा है, मनी। करेक्ट। ये बॉटल है, बॉटल पानी पीने के काम आता है, आपको बॉटल दिख रहा है, अकाउंटेंट को एसेट दिख रहा है, फाइनेंस मैनेजर को मनी दिख रहा है।
क्योंकि बिना मनी के ही आएगा क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ मनी, इट एंटर्स इनटू फिक्स्ड एसेट एंड सम पोर्शन ऑफ मनी एंटर्स इनटू योर वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल में क्या आता है ये तो बेसिक सबको पता है. क्या आता है? करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में डेटर्स, स्टॉक. अब मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो आपको स्टॉक दिख रहा है, कस्टमर्स को अपना सामान दिख रहा है, अकाउंटेंट को करंट एसेट दिख रहा है, फाइनेंस मैनेजर को क्या दिख रहा है? मनी दिख रहा है. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका फीस बाकी है तो आप एक स्टूडेंट हो जिसका फीस बाकी है. ठीक है, बाकी है मतलब उधार है, अभी इंस्टॉलमेंट आना बाकी है. फॉर एग्जाम्पल, तो ऑफिस के स्टाफ को दिख रहा है स्टूडेंट है जिसका फीस बाकी है, अकाउंटेंट को दिख रहा है डेटर है, फाइनेंस मैनेजर को लग रहा है नोट का बंडल बैठा हुआ है. अगर 2000 रुपया बाकी तो 2000 का नोट बैठा हुआ है. जब ये व्यू आएगा तो ना मनी समझ में आ रहा आपको. कोई चीज मेरी जब यहां पे ऐसे ही फेंक दी जाती है ना, कोई रिमोट मेरा गिर जाता है, मेरा यहां पे पेन मेरा गिर जाता है, लोग सोचते हैं क्या हुआ, पेन ही तो गिरा है, क्या हुआ रिमोट ही तो गिरा है. मेरा तो मन बैठ जाता है, मेरा पैसा गिर गया. अरे बिना पैसा के कुछ आता है भाई? तो ये रुपया फंसा हुआ है मेरा, ये रुपया ही तो मनी है, यही तो फाइनेंस है. जब इसको समझोगे कि इसका कोई फाइनेंस का वैल्यू है, इसका कोई मनी वैल्यू है, तब तो आप इसको संभालोगे ना. अगर आपको लगेगा ये पेन है, पेन के पीछे मनी नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई संभालेगा? फेंक देगा इधर उधर. मैनेजमेंट तब है जब इसका वैल्यू मालूम है. करेक्ट. तो हम लोग अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से तो सिलेबस को नहीं पढ़ रहे. मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ाते पढ़ाते आपको थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस भी समझा दूं, जो बेसिक सभी मैं आपको बता रहा हूं. बट एग्जाम जो फोकस कर रहा है वो बोल रहा है सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द बिजनेस. तो एक बिजनेस में जिस बेंच पे आप बैठे हो, आपके लिए बेंच है, अकाउंटेंट के लिए फिक्स एसेट है, मेरे लिए तो मनी है भाई. तो इस पर कोई दाग मार देता है ना, बहुत लोग मार मार के गए, दाग लिख के गए, अपना खुन्नस निकालता है तो दाग मार देता है. मेरे को लगता है मेरा मनी पे दाग मार दिया, दाग मारा हुआ मनी चलेगा क्या? तो जब आप कीमत समझते हो, मनी का रूप समझते हो, तो आप जरूर उसको संभालते हो. आपका सिलेबस में दो पार्ट रखा गया. इन दिस सिलेबस विच योर इंस्टीट्यूट हैज डिजाइंड फॉर यू, इट इज टू पार्ट्स. एक पार्ट आपको सिखाता है कि मनी कैसे समझे, दूसरा पार्ट आपको सिखाता है कि उस मनी को संभाले कैसे. There are two parts in your syllabus. Okay? I call this as there are two parts in the syllabus. एक part में बोलता हूं understanding the finance. दूसरा part में बोलता हूं managing the finance. One part is understanding the finance, second part is managing the finance. One part is understanding the finance, second part is managing the finance. तो कुछ chapters आपके syllabus में रखे गए हैं understanding के लिए, कुछ chapters रखे गए हैं managing के लिए. ठीक है, तो हम लोग हमारे syllabus को भी दो part में ही पढ़ते हैं. आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे लगेंगे सब इंटरकनेक्टेड हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे लगेंगे सब इंटरकनेक्टेड हैं.
ठीक है, जो चैप्टर्स हम लोग फाइनेंस यानी मनी को समझने के लिए, उस सर्कुलेशन को समझने के लिए यूज करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चैप्टर का नाम आता है जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नाम से बुलाते हैं। इसके अंदर पहला आता है रेशियो एनालिसिस, दूसरा आता है कैश फ्लो और फंड फ्लो एनालिसिस। ये आपने नाम सुना होगा, ये हर बच्चा जनरली कभी 11, 12 में तो कभी बीकॉम में ऐसा पढ़ ही लेता है अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो। करेक्ट, ये जो दो चैप्टर है इसका फोकस यहां पे है। ओके, उसके बाद आपको मैनेजिंग द फाइनेंस सिखाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड देन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ चैप्टर अराइजेस। उस सीरीज ऑफ चैप्टर में पहला सीरीज में मैं बोलता हूं एक है लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। मतलब अगर मैं बोलूंगा तो लिवरेज एक चैप्टर है और कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग दूसरा चैप्टर है। दूसरा सीरीज ऑफ चैप्टर है टाइम वैल्यू रिलेटेड। इसमें आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस के एंगल से भी सोच सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस का एक हिस्सा यहां पे डाल दिया गया है कि आप यहां पे आके वैल्यू ऑफ मनी को समझेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कि समय के साथ साथ मनी का वैल्यू पे असर क्या पड़ता है। दूसरा आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल COC। तीसरा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी पढ़ते हैं, CST कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। चौथा आप कैपिटल बजटिंग पढ़ते हैं, कैपिटल बजटिंग। ठीक है, इसके अलावा एक चैप्टर और आ रहा है, इसका नाम है, अलग सीरीज में डालूंगा, डिविडेंड पॉलिसी। ये डिविडेंड पॉलिसी CS में है, CMA में है। CA में पहले नहीं था, अभी जो नया सिलेबस CA का आया उसके कारण ये डाल दिया गया। इसमें एक और सीरीज ऑफ चैप्टर आते हैं जो सिर्फ CS फाइनल में है, वो इसके बाद के लेवल की पढ़ाई है, उसका नाम है पोर्टफोलियो, दूसरा नाम है फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज, तीसरा नाम है डेरिवेटिव्स। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि CS फाइनल में भी FM इंटर वाला ही पोर्शन आता है, इसलिए ये तीन चैप्टर CA और CMA में फाइनल में पढ़ाया जाता है, लेकिन CS फाइनल में संग में पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि CS में फाइनल में ही FM है, इंटर में FM है नहीं, इसलिए फाइनल में ये सारा आपको अलग से पढ़ा दिया जाता है। वैसे CS फाइनल में FM 100 मार्क का पेपर है, बाकी आप लोगों के यहां तो 100 मार्क का नहीं है, CA इंटर और CMA इंटर में तो 100 मार्क का नहीं है, इसलिए आप लोग का थोड़ा लोड कम रखा गया। CA का जो अभी नया सिलेबस आया उसमें एक और चैप्टर जोड़ दिया जो कैपिटल बजटिंग से जुड़ा हुआ है, इसका नाम रखा गया लीजिंग। CA का नया सिलेबस में ये जोड़ दिया गया, ये CA में नया जोड़ा, ये CA में नया जोड़ा, डिविडेंड पॉलिसी,
लीजिंग और सीएमए कैपिटल बजटिंग नाम का जो चैप्टर है उसको बहुत वास्ट कर दिया। वो वास्टनेस सीएमए इंटर और सीएस फाइनल में नहीं है, बट सीए इंटर में आ गया। ठीक है, तो जस्ट आपको ब्रीफ सिनॉप्सिस दे रहे हैं, ये इसलिए मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स कि आप अपना सिलेबस का पढ़ाई इसी ऑर्डर में करेंगे। ऑर्डर मतलब ये एक ब्लॉक हो गया, ब्लॉक। जब जब पढ़ाई करेंगे दो चैप्टर साथ में करेंगे, ठीक है। फिर ये एक ब्लॉक हो गया, जब जब पढ़ाई करेंगे ये दो साथ में करेंगे। मैं भी जब पढ़ाऊंगा तो ये दो चैप्टर हमेशा साथ में पढ़ाऊंगा। फिर ये एक ब्लॉक हो गया, ये पूरा एक साथ पढ़ना पड़ेगा। डिविडेंड पॉलिसी एक अलग निकल गया, पोर्टफोलियो फॉरेक्स डेरिवेटिव एक अलग निकल गया, ठीक है। इसके बाद एक और सेगमेंट ऑफ चैप्टर है जो रेशियो एनालिसिस से कनेक्ट होता है। रेशियो एनालिसिस आपको कुछ फाइनेंस मैनेजमेंट सिखाता है, वो एक और सेगमेंट है चैप्टर का, से मैं इसको जी नंबर लिखा मेरा सीरियल के हिसाब से। उसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसके अंदर तीन चैप्टर आते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फिर से, रिसीवेबल मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट, ये तीनों कनेक्टेड है फिर से। ये सब में ही है, इन ऑल सिलेबस इट इज देयर। इट इज देयर इन सीए, इट इज देयर इन सीएमए, इट इज देयर इन सीएस फाइनल, एवरीथिंग। ये तीन अपना एक ब्लॉक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट। ओके, नाउ इफ यू गो थ्रू आवर मैट्स कंटेंट, आप देखो आप मैट का कंटेंट पहचान पाओगे, चेक करो। सारा नाम आपको पता चल गया है, वहां पे थोड़ा ब्रैकेट बना दीजिए तो कंटेंट पे, जैसे पहला चैप्टर क्या नाम दिया हुआ है, लिवरेज, दूसरा चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, दोनों पे ब्रैकेट डालिए। फिर कौन सा चैप्टर का नाम दिया हुआ है, रेशियो, रेशियो के बाद वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल और कैश मैनेजमेंट। तो रेशियो से ही सिंस उसका रिश्ता है इसलिए वो चार एक साथ नाम है, उस पे ब्रैकेट डालिए। फिर देखिए टाइम वैल्यू से लेकर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, कैपिटल बजटिंग एक साथ ही नाम मिलेंगे, तो उस पे ब्रैकेट डाल दीजिए आप, करेक्ट। डिविडेंड पॉलिसी का अलग से क्लास में लिखा के पढ़ाया जाएगा तो उसका नोट्स यहाँ पे नहीं है। पोर्टफोलियो फॉरेक्स डेरिवेटिव्स का अलग मैट होता है, वो अलग से मिलता है, जो स्टूडेंट्स उसका क्लास करते हैं उनको मिलता है, ठीक है। सीए में जो नया चैप्टर ऐड हुआ है लीजिंग, उसका जब क्लास होगा तो अलग से उसका सप्लीमेंट्री मिलेगा। फिलहाल इस मैट का जो कंटेंट है वो मैंने आपको दिखा दिया। ओके, ये आपको फर्स्ट डे बता देने से ये फायदा रहता है कि जब भी आप तैयारी करें इसी सिस्टम से तैयारी करें, ठीक है। ये रेशियो से कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये था कि जब भी ये पोर्शन पढ़ें तो इंश्योर करें कि रेशियो एनालिसिस आपको अच्छे से आता हो, तो आपका यहां पे लोड कम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। बिफोर यू एंटर इनटू फाइनेंस मैनेजमेंट, once again you have to also know what is the main objective behind financial management. किसी भी चीज को अगर मैनेज करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। किसी भी चीज को जब मैनेज करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है। जैसे मैं अपना SGC इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, इसको मैनेज कर रहा हूं, तो उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्टिव से मैनेज कर रहा हूं। क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचना है, ये उद्देश्य से चलाते हैं। हर संस्था का अपना उद्देश्य होता है ना। हर उद्देश्य में प्रॉफिट होता है, जरूरी नहीं,
जैसे मेरा उद्देश्य है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचना है, अपने मैसेजेस को, अपनी बातों को कितने स्टूडेंट्स तक मैं पहुंचा सकता हूं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब उसके कारण कॉस्ट जो लगते हैं वो रिकवर करना है, ये उद्देश्य लेके चले हुए। ऐसे ही हर संस्था का अपना उद्देश्य है, हर काम का अपना उद्देश्य है। तो फाइनेंस मैनेजमेंट एक काम है तो इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव बोलता है जो मैंने आपको ऊपर में बताया, फाइनेंस को समझो और मैनेज करो, लेकिन कैसे मैनेज करो, मैनेज करते वक्त एक प्रिंसिपल का ख्याल रखो। प्रिंसिपल का ख्याल क्या रखना है, वो प्रिंसिपल है कि आपको अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करके देना पड़ेगा। आपको अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करके देना पड़ेगा। आई होप आप इक्विटी शेयर होल्डर्स समझ पा रहे हैं। सर इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन हुए, ये हमारे फाइनेंस के सोर्स हुए। सारा फाइनेंस एक बिजनेस करने के लिए यहीं से तो आता है, करेक्ट। सारा फाइनेंस एक बिजनेस को करने के लिए यहीं से तो आता है। सर हमने तो सुना है कि उधार भी ले लेते हैं, डेट से भी आता है। हाँ जी, बट उधार लौटाना पड़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे लौटाने नहीं पड़ते। तो जिसको पैसे लौटाने नहीं पड़ते उनके प्रति जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जैसे आप कभी कोई बिजनेस करोगे और उसमें फंड मम्मी से ले लो, वो कभी वापस तो मांगेगी नहीं। तो एक ऑनेस्ट इंसान क्या सोचेगा अब कि जो वापस मांगे नहीं उनको कुछ देना नहीं क्या? जब देने जाओ बोलते नहीं बेटा तेरा ही है, तू ही रख, मेरे को तो चाहिए नहीं। अब क्या करें, ये तो धर्म संकट। जब देने जाओ वो ले ही नहीं, वो मांगे ही नहीं चला के, वो बोले बस तेरा तरक्की होता रहे, मैं तो उसी में ही खुश हूं, तेरा वैल्यू बढ़ता रहे उसी में ही खुश हूं। तो आपका कुछ फर्ज है कि नहीं उनके प्रति? वही फर्ज को हम बोल रहे हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इक्विटी शेयर होल्डर्स इज लाइक मदर हु प्रोवाइड्स फाइनेंस टू हिज सन। सिमिलरली इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, द सेम प्रिंसिपल्स दे फॉलो व्हेन दे प्रोवाइड फाइनेंस टू अ कंपनी। दे डोंट आस्क एनीथिंग इन रिटर्न। इफ यू गिव देम दे आर हैप्पी, इफ यू डोंट गिव देम दे आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। डेट से फाइनेंस लो लेकिन वो तो पीछे पड़ जाएगा, मेरा इंटरेस्ट तो मेरा रिपेमेंट करो। तो ऐसा नहीं बोलते कि डेट से मत लो, मतलब बोलते डेट से लो, आपको जितना शक्ति हो जितना आप निभा सके उतना लो, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर तो प्राइम है, उसके बिना तो कंपनी शुरू ही नहीं हो सकती ना। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए सिस्टम क्या होता है फाइनेंस में, आप सोच रहे डेट कौन लिया, कंपनी, ठीक है, कंपनी किसका, कंपनी किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का। तो इक्विटी शेयर होल्डर तो होना ही होगा ना, वरना डेट किसको मिलेगा, कंपनी को दे दो। अरे कंपनी का मालिक कौन है? तो इक्विटी शेयर होल्डर के बिना तो डेट भी तो नहीं आएगा। तो ये है इसलिए तो डेट मिलता है, ये है तो कंपनी बनती है, ये बिन मांगे आपको अपना धन दे देते हैं। अब आपका कुछ फर्ज है कि नहीं इनके प्रति? आपका जो फर्ज है उसका एक हमने टर्मिनोलॉजी बना दिया, वो फर्ज है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आपको जो भी करना है वो इस चीज का ख्याल रखते हुए करना है कि वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा हो। सवाल उठता है ये वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे होता है? करेक्ट, वेल्थ मैक्सिमाइज होता है दो कर्म से, दो एक्शन से। देर आर टू एक्शंस, देर आर टू कर्म। मैं हिंदी भी बोल रहा हूं, संस्कृत भी बोल रहा हूं, कर्म, दो कर्म है इसमें। पहला कर्म है कि जो संपत्ति, जो मनी आपको मिली, उससे आपने डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट किए हैं, उसका
संरक्षण करें, उसे सेफगार्ड करें, उसे प्रोटेक्ट करके रखें, उसे गायब न होने दें, उसका वैल्यू गिरने न दें। करेक्ट। पहला अपने बोलते हैं प्रोटेक्शन और सेफगार्डिंग, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। लॉजिकल है। आज इक्विटी शेयर होल्डर से रुपए लेके मैं ये कीबोर्ड ले आया, अब इस पे धूल चढ़ रहा है तो ये टिकेगा क्या? कहीं ना कहीं इसका कीमत तो गिर रहा है ना, तो मेरा फर्ज क्या है एज अ फाइनेंस मैनेजर कि मैं इसका संरक्षण करूं? तो सर, फाइनेंस मैनेजर जाके कीबोर्ड से धूल साफ करता है क्या? ऐसे क्यों सोचते हैं आप? उसको कोई आदमी अपॉइंट करना पड़ेगा भाई, जो ये मेंटेनेंस का काम करेगा। उसके दिमाग में आना चाहिए कि इसका भी पैसा निकालना है अलग से, जो मेंटेन करेगा इसको। क्या समझे? मतलब चीजों को खाली लाने से नहीं होगा, उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। दूसरा चीज कि आप अपने रुपयों से वही काम करें जिससे भविष्य में कुछ रुपए आने के हैं, जाने के नहीं। इन्वेस्ट योर मनी इन सच एरियाज फ्रॉम वेयर यू कैन गेट फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्लो मतलब धारा, धारा बनी रहे, भविष्य में जो कैश आना है वो आता रहे। ऐसे जगह पैसों को लगाओ जहां से फ्यूचर में रुपया आने का बात हो, रुपया जाने का बात ना हो। जिस चीज से फ्यूचर में रुपया आना है उसको बोलते एसेट, जिस चीज में फ्यूचर में रुपया जाना है उसको बोलते लायबिलिटी। एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, अभी तक आपने अकाउंट्स के एंगल से सुना, अभी थोड़ा फाइनेंस के एंगल से एसेट लायबिलिटी सुनिएगा। मैंने एक बेंच खरीदा, ठीक है, उसके 10,000 रुपए लगे, रुपया गया एसेट। अकाउंट्स क्या मानता है, ये एसेट अब हर साल डिप्रिशिएट होगा, तो रुपया आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। अकाउंट्स मतलब ऐसा चीज को एसेट बोलो जो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, बट धीरे धीरे उसका वैल्यू घटे। अकाउंट्स ऐसे बोलता है। फाइनेंस मैनेजमेंट बोलता है एसेट वो है जिसका वैल्यू घट रहा है उसको छोड़ो। वो बोलता है एसेट वो है जिससे आप भविष्य में रुपया कमा सकते हैं। मैंने अगर ये बेंच लिया, इस पे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं बैठा के, उनसे फीस लेता हूं, तो ये एसेट है। हाँ जी, मैंने मान लीजिए एक बेड लिया, बेड लिया अपने आराम करने के लिए, बेड एसेट है क्या अकाउंट्स के हिसाब से? अकाउंट्स से एसेट आएगा ना, अकाउंट्स में एसेट आएगा ना, बट वो बेड पे मैं आराम करता हूं, उस आराम करने के मुझे पैसे मिलते हैं क्या? तो बेड एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। एफएम ऐसे सोचता है, ठीक है, एफएम सोचता है कि एसेट वो है जिसमें आज रुपया लगाओ तो कल उससे कुछ कैश फ्लो का जरिया आना चाहिए। तो वो रुपया जो आज गया वो खर्चा नहीं है, वो एसेट है। और जो रुपया आज आप सामान लिए उससे खाली आराम ही मिलने का है, कुछ फ्यूचर कैश फ्लो नहीं आने का है, तो वो खर्चा है, वो लायबिलिटी है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मैंने यहां पे एसी लगाया, ये एसी चलाने का हर महीना खर्चा लगता है,
एसेट है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। आप भले ही अकाउंट्स में उसको एसेट में डालिए, बट मेरे लिए तो लाइबिलिटी हो गई है। हर महीना इसको चलाने का खर्चा दो, बिना खर्चा के चले नहीं। हाँ, इस खर्चा से अगर मैं स्टूडेंट्स ज़्यादा बैठा पाता हूँ क्लास में, ज़्यादा देर तक उनको पढ़ा सकता हूँ, उससे यहाँ पे कैश फ्लो आएगा, तो ये एसेट है। हमारा डिफिनेशन ऑफ एसेट इज व्हाट? फाइनेंस मैनेजमेंट में ऐसे खर्चे जिससे फ्यूचर में कैश फ्लो आए। कई बच्चों को दिखता हूं जबरदस्ती घर का फाइनेंस लेके एक बड़ा मोबाइल फोन ले लिया, स्टेटस ईएमआई वीएमआई पे, तो घर वालों को कैसे समझा रहे हैं, अरे मोबाइल भी तो एसेट है, देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री तो यही मारेंगे, एसेट ही तो आया, क्या खराब है, कौन सा रुपया आप ऐसे फेंक के आ रहे हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट बोलता है ये एसेट नहीं है। क्या करोगे इससे? व्हाट्सएप करोगे, फेसबुक करोगे, चैटिंग करोगे, वीडियो देखोगे, दोस्तों में फड़का मारोगे, कमाई आएगी क्या? नहीं नहीं, कमाई कहां से आएगी, हर दिन वैल्यू गिरेगा, लायबिलिटी है ये। ये एसेट तब है जब इस मोबाइल के बदौलत तुम कुछ कमा के दिखो। ये मोबाइल रखने से तुम्हारी कमाई बढ़ती है, तुम्हारा कैश फ्लो आता है, तो ये एसेट है। फाइनेंस इसको कहते हैं। अगर आप ये दो बात समझ गए तो आपको उन इक्विटी शेयर होल्डर का रुपया को संभालना आ गया। जब जब फाइनेंस मैनेजमेंट करते हो तो यही दो बात का ध्यान रखना है। हम ऐसे जगह अपना रुपया को लेके जाते हैं जहां से फ्यूचर में कैश फ्लो आए, या फिर फ्यूचर में कैश फ्लो नहीं आए तो कम से कम रुपया हिफाजत से तो रहे, उसका वैल्यू गिरने मत दीजिए। हिफाजत करने के लिए कई बार आपको कुछ खर्च करना पड़ता है, तो करिए, बट प्रोटेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। एक वीडियो दिखाते हैं आपको। हे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक की रीजन क्यों कुछ ही लोग बहुत अमीर बन पाते हैं और क्यों ज्यादातर लोग गरीब या फिर मिडिल क्लास रह जाते हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो बाप थे। अब आप कुछ गलत मत समझिए, पहला उसका खुद का था पर दूसरा उसके दोस्त का बाप था जिसे वो अपना मुंह बोला बाप मानता था। पहले वाले ने पीएचडी की थी पर दूसरे ने कभी 8th भी पास नहीं की थी। दोनों बहुत ही स्मार्ट और हार्ड वर्किंग थे पर दोनों की सोच बहुत ही अलग थी और दोनों रॉबर्ट को अलग अलग बातें सिखाते थे। पहला बाप बोलता था कि पैसा सारे फसाद की जड़ है पर दूसरा बोलता था कि पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है। पहला रॉबर्ट को हमेशा महंगी चीजों के बारे में सोचने से मना करता था और कहता था कि वो हमारी हैसियत के बाहर है। दूसरा उसे कहता था कि वो सोचे और अलग अलग रास्ते ढूंढे जिससे वो सारी महंगी चीजें खरीद सके, ये करने से उसका दिमाग तेज होगा और नए आइडियाज भी मिलेंगे। पहला उसे कहता खूब मेहनत कर, अच्छे से पढ़ लिख ताकि तुझे बड़ी कंपनी में नौकरी लगे और तू बड़ा इंसान बन पाए। दूसरा कहता था तू खूब पढ़ मेहनत कर पर खुद की कंपनी खोल ताकि तू खूब सारी नौकरियां लोगों को दे पाए। रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज था, उसने अपने दोनों बापों को अपनी अलग अलग सोच के साथ बढ़ते और उनकी तरक्की देखी। उसने अपना दिमाग लगाया और अपने दूसरे बाप की बातें मानी और फॉलो की, जो कि बाद में मायामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर इंसान बना और उसकी सिखाई बातों से उसने खुद करोड़ों कमाए जबकि उसका पहला बाप जिंदगी भर गरीब रह गया। सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से एक बात जो रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से सीखी वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस जानना। अब आप गौर से सुनिए, ये नॉर्मल कॉमर्स में सिखाए गए मीनिंग से थोड़ा अलग है। रॉबर्ट ने काफी इजी शब्दों में उसका मीनिंग बताया है जो कि कुछ ऐसा है। एसेट्स कोई भी वो चीज होती है जो आपको पैसे बना के दे या फिर आपके जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटीज वो चीजें होती है जो आपके जेब से पैसे ले ले या आपके पैसे खत्म करें। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते हैं बिकॉज वो अपने एसेट्स बनाते हैं जबकि मिडिल क्लास लोग बस लायबिलिटीज पे खर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त थे, दोनों सेम पोजीशन और सेम सैलरी पे काम करते थे।
जब भी उन्हें सैलरी मिलती, रमेश अपनी सैलरी से नए कपड़े, नए गैजेट्स, नया फोन, बाइक या कार, ऐसी चीजें खरीदता था जो उसे अमीर जैसा फील कराती थी। पर वो ये नहीं समझता था कि ये सारी चीजें लायबिलिटीज है जो उसके पैसे उससे ले रही है, ना कि बस जब वो उन्हें खरीदता है तब, बल्कि आगे भी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, जिसकी वैल्यू वक्त के साथ कम हो जाएगी और ना ही वो उससे आगे कुछ पैसों का प्रॉफिट देगी। बट सुरेश ऐसा नहीं था, वो ये सारी चीजें नहीं खरीदता था जब तक कि उसके लिए बहुत जरूरी ना हो वो चीज खरीदना। वो पैसे जमा करता था और एसेट्स पे खर्च करता था, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, अपनी खुद की स्किल्स बढ़ाने के लिए या कुछ सीखने के लिए जो उसे आगे और पैसे बना के दे। 2 साल बाद सुरेश करोड़पति बन गया, जबकि रमेश वैसे का वैसा अपनी कम सैलरी को कोसता रह गया और कहता था कम सैलरी उसके मिडिल क्लास होने का रीजन है। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है, उसे पैसे मिलते हैं और फिर वो पैसे उसकी जरूरी खर्चों में खत्म हो जाते हैं। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा सा अलग होता है, उसे पैसे मिलते हैं, वो पैसे जरूरी खर्चों और लायबिलिटीज में खत्म कर देता है। इसीलिए मिडिल क्लास और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं है। मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को लगता है उनका घर उनका एसेट है, पर ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसे बना के नहीं देता अनलेस आप उसको भाड़े पे दो, जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो ऐसा होता है, उन्हें पैसे मिलते हैं, वो उस पैसों से अपने एसेट्स बनाते हैं पहले और फिर उससे बने पैसों से खर्चा करते हैं। इसीलिए वो अमीर होते जाते हैं, क्योंकि उनके इनकम के सोर्स बढ़ते जाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो ये बात याद रखे अच्छे से। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि आप उन पैसों को कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आकर इन्वेस्टर की सोच अपनानी पड़ेगी। लोग कंप्लेन करते हैं उनकी खराब कंडीशन का रीजन उनकी कम सैलरी है, और सैलरी बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि इनकम बढ़ने के बाद लोगों के खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसे ज्यादा अच्छी चीजें खरीदने पे मजबूर करता है, जैसे कि एक बेहतर फोन, कार, घर, जो कि सब फिर से बस लायबिलिटीज है जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी। ये बातें मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से पढ़ी है, जो वो पहली बुक थी जिसने मेरी सोच चेंज की और बेहतर बनाई। कुछ समझ में आया मैसेज? हालांकि ये सिलेबस की जरूरत नहीं थी, बट ये इंसान की जरूरत है, और ऐसी पढ़ाई पढ़ के फायदा ही क्या जो कभी काम ही ना आए। इसलिए मैंने अपने पढ़ाने के तरीके में ये सब थोड़ा बहुत इंक्लूड किया हुआ है कि आप जो पढ़ते हो वो जिंदगी में कब मौका लगे किसी कंपनी के लिए करने का, लेकिन आपको मैं बहुत सारे मौका दूंगा कि आप जो पढ़ते हो वो इमीडिएटली आप अपने लिए तो शुरू कर सकते हो। क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, वो आपको जज करना है, और जितना आप अपने लिए फाइनेंशियल एसेट बनाते हो उतना आप वेल्थ मैक्सिमाइज कर पाते हो। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद एक पॉइंट आपको और जानना है, वो है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेन करके क्या देता है। इनका 3 काम सबसे ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। 3 काम, पहले ये आपको एडवाइज करते हैं कि कहां कहां से फाइनेंस आपको लाने चाहिए, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। दूसरा यही आपको बताते हैं कि आपकी कंपनी में वो रुपए किस तरह से यूज होने चाहिए, वही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। और अगर यूटिलाइजेशन से कमाई हुई, इनकम आया, तो क्या वो कमाई को डिविडेंड बना के इक्विटी शेयर होल्डर को दे देना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड डिसीजंस, या अपने पास रख के रखना चाहिए उससे और ज्यादा कमाई करने के लिए। तो ये फैसले लेने पड़ते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट में कि कहां से रुपए आएंगे, कहां रुपए लगाने हैं, और फिर वो कमाई आ गई
तो वो इक्विटी शेयर होल्डर में बांट देने हैं कि उसको जिम्मेदारी से अपने पास रख के और बढ़ाने हैं। ये सब का जानकारी आपको पूरे सिलेबस में धीरे धीरे मिलता रहता है। ओके, हमारा सिलेबस में एक चैप्टर आपका कंटेंट में डाला गया है, बेसिक्स थ्योरी, देख रहे हैं आप, वो बेसिक्स थ्योरी का कुछ पोर्शन मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया आपको। जो जो मैं अभी पढ़ाया वो बेसिक्स थ्योरी में आपको मिलेगा। तो आपका आज होम टास्क ये रहेगा कि उस बेसिक्स थ्योरी में जो रिजेम्बलिंग चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं उसको आप खुद से रीड कर लेंगे, ठीक है। मैं बाद में थ्योरी की क्लास अलग से जब लूंगा तो फिर से बता दूंगा। फिलहाल आज जो जितना पढ़ाया उसका ओरिजिनल टेक्स्ट आपको मैट में उस चैप्टर में मिलेगा। गॉट इट। अभी हम लोग एंट्री करने जाएंगे एक चैप्टर में, बट उस चैप्टर का नाम थोड़ा सा और समय लेके आपके सामने लाऊंगा। फिलहाल एक बात और करनी है जो अभी हो ही चुकी थी, उसको एक बार लिखना चाहते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में सबसे पॉपुलर है दो सोर्स, हालांकि ये भी एक चैप्टर है थ्योरी में। आप देखिए, थ्योरी चैप्टर में एक चैप्टर है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, उसमें आपको सीखने को मिलता है दुनिया में जितना सोर्स है सारा, ठीक है। बट एक जनरल आइडिया के लिए, एक कंपनी के सोर्स ऑफ फाइनेंस में हम कहते हैं दो सबसे पॉपुलर सोर्स है जो अभी ऑलरेडी ऊपर में बात कर ही रहे थे। पहला कौन, इक्विटी शेयर होल्डर्स का सोर्स या इक्विटी बोल लो, और दूसरा उधार जिसको आप डेट बोल लो। इन दोनों से आपकी कंपनी में रुपए आते हैं जिसको आप अलग अलग जगह यूटिलाइज करते हैं जिससे आपका वेल्थ मैक्सिमाइज हो। इक्विटी बिना कंपनी फॉर्म नहीं होता, इक्विटी बिना कंपनी फॉर्म नहीं होता, क्योंकि कंपनी किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का, तो मालिक को तो होना ही होगा, उसका रुपया तो रखना ही होगा। फिर मालिक के रवैये के ऊपर या मालिक लोगों के गुडविल के ऊपर और कंपनी की गुडविल के ऊपर डेट वाले रुपए देते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? गुडविल मालिकों की भी होती है, इक्विटी वालों की भी होती है, और धीरे धीरे जब आप अच्छा काम करते हो तो आपकी कंपनी के नाम से भी गुडविल बनती है। तो दोनों के गुडविल के ऊपर आपको डेट मिलता है। डेट फर्स्ट डे कोई नहीं देता, ठीक है। तो सवाल उठता है, डेट मतलब उधार, करेक्ट। बचपन से आज तक क्या सिखाया गया, उधार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। तो आज यही सवाल वापस उठाया जा रहा है, क्या उधार लेना गुनाह है? बचपन से तो यही सिखाया गया कि बेटा जितनी बड़ी चादर है उतना ही पैर फैला लो, भूखे रह लो लेकिन उधार मत लो, उधार वाली जिंदगी बदतर है। फाइनेंस मैनेजमेंट अलग तरह से सोच रहा है। फाइनेंस मैनेजमेंट बोलता है कोई भी काम अगर आप करते हैं उससे भविष्य में पैसे आने के हैं तो वो काम अच्छा है। उधार लेके रुपए जो आए उससे बर्थडे पार्टी बना लिया, हाँ जी, जीवन में फिर दुख आना ही है ना। उधार लेके जो मैं आपको सिखाया, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट कर ली। लायबिलिटी मतलब समझ गया, घर में एसी लगा दिया, उधार लेके बड़ा सारा मोबाइल फोन ले लिया, तो सुख आएगा कि दुख आएगा वो आप सोचिए। लेकिन उधार लेके एक कंप्यूटर खरीदा, उस कंप्यूटर पे अभी जीएसटी चारों तरफ छाया हुआ है, उसका रिटर्न फाइलिंग सीख लिया, अपने आस पड़ोस के जितने बिजनेसमैन थे उनका रिटर्न फाइलिंग कर करके महीने का 10,000 रुपया कमाना शुरू कर दिए, तो उधार लेना कहां गुना हुआ? तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है आपके एक प्लानिंग के ऊपर कि आप उधार लेकर उसे खर्च कहां कर रहे हैं, उसे यूज कहां कर रहे हैं।
अगर आप सही जगह यूज करें तो उधार लेना कोई गुनाह नहीं। ये बैंक वाले हमें बहुत फंसाते हैं, सर पर्सनल लोन ले लीजिए, सर एक मिनट में एलिजिबिलिटी निकाल देंगे, सर दो दिन में आपके पास रुपए आ जाएंगे। फिर आपका जो शौक है वो पूरा करिए, जाइए फॉरेन घुमाइए, जाइए मोबाइल फोन ले लीजिए, जाइए एसी ले लीजिए, जाइए घर का इंटीरियर करवा लीजिए। भाई उधार लेके मैं अगर ये सब करूंगा तो मैं एसेट पल रहा हूं कि लायबिलिटी बना रहा हूं, तो मेरी जिंदगी तो नरक होनी है। अब ये उधार लेकर आप कोई बिजनेस खोलते हो, उससे बहुत कमाई का जरिया बैठाते हो, कैश फ्लो की धारा बांध लेते हो, तो उससे जो रुपए आएंगे उससे उधार तो चूक ही जाएगा, तो कहां गलत है उधार लेना। तो उधार किस मकसद से लिया जा रहा है, क्या यूज के लिए लिया जा रहा है। जैसे कई लोग बोलते हैं, आप देखिए घर वाले जो बोलते हैं ना उनका कॉन्टेक्स्ट को समझो। जैसे कई बुजुर्ग लोग आपको अपने परिवार में ही मिलेंगे कि ईएमआई पे घर मत लो, होम मत लो घर पे, अगर कम रुपए हैं तो आप छोटे जगह रह लो, जिस दिन रुपए आ जाए उस दिन आप लो, उधार वाला जिंदगी में मत जाओ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप ईएमआई भरोगे, उधार लोगे, घर से कमाई आएगी क्या, बताया है ना उसने कि घर से कमाई तब आएगी जब उससे उसे भाड़ा पे लगाओगे जी। तो अगर भाड़ा पे लगाएंगे तो कमाई आएगी, और भाड़ा तो नहीं लगा रहे आप, उसी में रह रहे हैं, तो उसमें रहेंगे तो मेंटेनेंस करना होगा, साफ सफाई करो अलग से और उसका टैक्स भरो अलग से। और तो भैया उधार लेना जस्टिफाइड नहीं लगता है। हाँ ऐसे बोलिए कि सर अभी हम जहां रहते हैं वहां पे हमारा महीने का 20,000 रुपया भाड़ा लगता है, अब हम अगर उधार लेके घर ले लेते हैं तो मेरे को जो ईएमआई देना है वो 10,000 देना है, तो मेरा फ्लैट ये 10,000 रुपया बचता ही है, तो गो फॉर इट। ऐसा काम जिससे रुपए बचे या रुपए आए तो जरूर करो, शौक शौक के लिए मत करो। तो क्या उधार लेना गुनाह है? अगर आपका पर्पज है उधार से आप जो काम करने वाले हो उससे फ्यूचर में कुछ कैश फ्लो आना है या आप ला सकते हो, तो बेझिझक उधार लीजिए। तो सर इससे इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा होगा कि नुकसान होगा? हम लोग बोलते हैं शुरुआती दिनों में उनके ऊपर रिस्क बढ़ेगा, बट बाद में अगर आप सक्सेसफुली वो काम कर लेते हो तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर आप अनसक्सेसफुल हो जाते हो तो नुकसान होगा। तो उधार लेने वाला जो इंसान है फाइनेंस के लिए, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है कि जिस मकसद से उसने उधार लिया वो मकसद को अचीव करके किसी भी तरह से दिखाए। अगर कर पाया तो आप विनर है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, आपको मतलब आपके इक्विटी शेयर होल्डर को। अंडरस्टूड? तो इसका जवाब क्या है कि यू हैव टू यूटिलाइज योर डेट फंड इन ऑर्डर टू इंश्योर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इफ यू आर डूइंग इट देन देर इज नो क्राइम इन टेकिंग डेट। ठीक है, तो वी वॉन्ट टू से हियर इट डिपेंड्स ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ डेट फंड। इफ इट इज इन्वेस्टेड इन इफ इट इज इन्वेस्टेड इन sources that can generate future cash flows, then it can be beneficial. Correct?
that can generate future cash flows, then it can be beneficial. There is a risk. क्या रिस्क है यहां पे कि जिस मकसद से चले थे, अच्छा सोच के चले थे, बट वो मकसद अचीव नहीं कर पाए. ठीक है, तो अगर नहीं कर पाए तो रिस्क है, तो यू मे हैव टू लूज अ लॉट ऑफ मनी, बट एट द सेम टाइम एंड एट द सेम टाइम देयर इज एन एडवांटेज. इस एडवांटेज को हमने एक नाम दिया है, जो आज का आपका चैप्टर होने वाला है. भाइयों और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका नाम है लेवरेज. व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज मींस एडवांटेज ड्यू टू डेट. What is leverage? Leverage is an advantage due to debt. Advantage, आप समझिए, ये तलवार होता है. तलवार, जो तलवार रखते हैं उसको फायदा भी मिलता है तो उसको रिस्क भी है. स्वॉर्ड, तलवार माने स्वॉर्ड. फायदा क्या कि उससे कोई पंगा लेगा तो बचेगा नहीं, और रिस्क क्या? अरे भाई, तलवार चलाते तो आपका हाथ भी कट जाता है. इट इज लाइक अ स्वॉर्ड. ठीक है, आप चलाएंगे तो आपको भी बच के चलाना पड़ेगा, वरना खुद जोखिम में आ जाएंगे. ठीक है, इसमें मैं एक जनरल एग्जांपल यूजुअली हर बच्चों को देता हूं, हर क्लास, हर बार पढ़ाते पढ़ाते वो एग्जांपल आपको दिखाता हूं कि वाकई में देखो उधार लेने से कैसे फायदा होता है अगर आइडिया सक्सेसफुल हो गया तो. ठीक है, सोचिए, ये हमारा एक बिजनेसमैन है जिसके दिमाग में एक आइडिया चल रहा है. आइडिया ये है कि एक जमीन है, उसको खरीदा जाए, उस पे एक बिल्डिंग बना ली जाए. वो बिल्डिंग 10 करोड़ में बनेगा, एक साल बाद उसको बेच देंगे तो 20 करोड़ हो जाएगा. और उसको ये कॉन्फिडेंस है कि वो 10 का 20 कर पाएगा, ये बिल्डिंग बन भी जाएगा उससे और वो 10 का 20 कर पाएगा, मतलब 10 करोड़ लगा के 10 करोड़ कमा पाएगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके पास सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए है. ओन रुपया जो है वो 2.5 करोड़ ही है. चाहिए कितना? 10. ठीक है, चाहिए कितना? 10, और है 2.5 करोड़. मान लेते हैं एक बार कि इनके पास 2.5 नहीं है, 10 ही है. एक बार अज्यूम करो. तो ये क्या किए, एक कंपनी बनाए, उसमें अपना रुपया इक्विटी बोल के 10 दे दिए. करेक्ट, इक्विटी से एक सारा कैश आ गया 10, फॉर एग्जांपल. उस कैश को यूज करके इन्होंने सीमेंट खरीदा, सैंड खरीदा, जमीन भी खरीदी, आदमी को एंगेज किया और बिल्डिंग बना लिया. बिल्डिंग बन गया. ठीक है, वो बिल्डिंग इनका करंट एसेट में आएगा ना, क्योंकि तो बिजनेस कर रहे उसका. तो बिल्डिंग बन गया तो 10 करोड़ रुपया गया, बिल्डिंग बन गया 10 करोड़. अब वो बिल्डिंग को धीरे धीरे करंट एसेट से बेच दिए, सेल कर दिए.
ये पूरा प्रक्रिया खत्म होने में एक साल हो गया, तो ये बिल्डिंग आपका स्टॉक जैसा हो गया, स्टॉक से वो डेटर्स में चला गया, डेटर से वापस कैश भी आ गया, तो घूम के कैश वापस पहुंच गया 10/20 पे। सो 20 यहां है, 10 यहां है, तो बच गया कितना, 10। ये 10 क्या चीज का आया, प्रॉफिट का है। 10 लगा के 20 बनाए तो एक्स्ट्रा आया ना 10, यही तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट का रेशियो अगर देखें, अर्निंग्स ऑन इक्विटी अगर आप देखें तो 10/10 है, यानी 1/1, यानी 100%। ठीक है, अगर इनके पास सारा रुपया अपना होता तो, बट इनके पास तो अपना सारा रुपया नहीं है, तो इन्होंने फिर बुद्धि चलाई, कंपनी खोली, अपना रुपया सिर्फ 2.5 लगाया, बैंकों से रिक्वेस्ट किया किसी तरह से सोर्स लगा के 7.5 करोड़ रुपया का उधार ले लिया। अब उधार जब लिया तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करेगा कितना होगा, एक ऐसे ही सोचो, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, उससे ज्यादा होगा। 30% पे बैंक वाले है ना आग बंद करके लोन दे सकते हैं, आपके कागजात नहीं है तो भी थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन करके पर्सनल लोन मिलता है जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होता। 30% ज्यादा तो नहीं मांगेगा कोई भी, करेक्ट। ये दोनों मिला के 10 करोड़ आ गए, फिर वही प्रोसेस, 10 करोड़ आ गए तो कैश 10 करोड़, खर्चा किया तो बिल्डिंग बन गया, तो स्टॉक आ गया, यानी बिल्डिंग स्टॉक में आ गया 10, उसको ले जाके डेटर्स को बेच दिया, वो डेटर्स आपको वापस सारे रुपए दे दिए, तो 10 का क्या बन गया, 20। 20 में अभी प्रॉफिट कितना आया, 10, करेक्ट, सरप्लस 10 आया। लेकिन अब ये डेट वाला बोलेगा, भाई मेरा इंटरेस्ट एक साल का, हाँ आपका इंटरेस्ट बाकी है, तो इंटरेस्ट मेरा एक लायबिलिटी हो गया, 30% ऑफ 7.5 इज 2.25, तो अगर वो इंटरेस्ट में दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कितना हुआ, 7.75 हो गया, लॉजिकल है ना, तभी तो बैलेंस शीट टैली करेगा, इंटरेस्ट लायबिलिटी है, दे देंगे, पैसे तो हैं अपने पास, बट मेरा प्रॉफिट देखो 7.75 कमाया ऑन इक्विटी, मेरा ओन प्रॉफिट, वो बिजनेसमैन का प्रॉफिट, बाय इन्वेस्टिंग हाउ मच, 2.5, तो प्रॉफिट ऑन इक्विटी देखिए आप, रेशियो देखिए, 7.75 बाय 2.5 इज इक्वल टू कितना आया, 3.44, इसको परसेंट मिले जाते तो 344%, पहले कितना था, 100%, सारा रुपया खुद लगाए तो 100% कमाए, अपना 2.5 लगाया गांव से उधार लेके कोई काम किया हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो कितना कमाया, 344, एडवांटेज मिला, ये एडवांटेज को बोलते लीवरेज। बट दोधारी तलवार है, हाथ भी कट सकता था, कैसे, अगर ये बिकता नहीं, कैश नहीं आता, बिल्डिंग बन नहीं पाता, तो ये डेट वाला छोड़ता नहीं, उस समय लॉस हो जाता, हो सकता वो आपका 2.5 भी खा गया। उधार लो, सही काम के लिए लो, और एक और जिम्मेदारी भी लो कि उस काम को हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। जैसे आप मान लीजिए अभी इतना बड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, CA में छोटा मोटा पढ़ाई तो है नहीं, समटाइम्स यू नीड टू टेक लोन टू डू ऑल दिस स्टडी, तो आर यू डूइंग अ रॉन्ग थिंग और राइट थिंग,
right thing, because from this money you would generate asset, मतलब आपका फ्यूचर कैश फ्लो आएगा, करेक्ट, लेकिन वो तभी आएगा ना पढ़ाई कंप्लीट होगी, रिस्क तो लेके चल ही रहे, पढ़ाई कंप्लीट नहीं किए तो फिर तो वो उधार वाला छोड़ेगा नहीं, तो उसको कंप्लीट करना भी बहुत जरूरी है, वो वरना हाथ जलेगा आपका। उधार लेना गुना नहीं, उधार का यूटिलाइजेशन और उसका ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ये एक्स्ट्रा फायदा जो आपको उधार के कारण मिला उसे ही हम लिवरेज कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज का चैप्टर का नाम है लिवरेज। चैप्टर नेम इज लिवरेज। लिवरेज का बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया है, एडवांटेज। एडवांटेज मतलब हम लोग बोलना चाहते हैं थोड़े से ज्यादा कैसे निकाला जाए। हालांकि अभी जो एग्जाम्पल चला उसमें मैंने आपको समझाया कि अपना रुपया कम है, इक्विटी थोड़ा कम है, डेट ज्यादा है, तो उससे फायदा कैसे निकाले, उधार लेके निकाल ली। हाँ जी, इक्विटी अगर कम है तो बाकी का उधार लेकर आप काम निकाल लो। बट जब लिवरेज चैप्टर पढ़ रहे हो तो खाली डेट को लेके नहीं सोचना होता है, जितने तरीके से फायदा आपको बिजनेस में अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है सबको पढ़ना है। खाली डेट से ही फायदा मिलता है ऐसा नहीं है, यू गेट दिस एडवांटेज फ्रॉम डिफरेंट वेज, और सारे वेज आपको पढ़ने हैं। ऐसा कितना तरह का एडवांटेज हमें मिल सकता है, ठीक है, थोड़े से ज्यादा, कम करके ज्यादा आ जाए। सर ऐसा कोई तरीका हमें भी बताइए, कम पढ़े और मार्क्स ज्यादा आ जाए, है कोई आपके पास कुछ जवाब? सबको यही चाहिए ना जिंदगी में, थोड़े से ज्यादा। एक आदमी है जो दिन में 10 रोटियां खाता है तब जाके उसका दिन चलता है, वहीं दूसरा आदमी है जो सिर्फ 2 रोटी खाता है तो उसका दिन चलता है। बोलो किसके पास लिवरेज है? जो थोड़े से ज्यादा चला सके उसे हम कहते हैं कि लिवरेज उसके पास है। क्या समझे? सर तो हमें लिवरेज कैसे मिलेगा? आपको मिल गया, आप सही जगह पहुंच गए, आप क्लास कर रहे हो ना यहां पे, तो बस क्लास कर लो ठीक से, तो थोड़े से बहुत ज्यादा हो सकता है, क्लास प्रॉपरली करो तो आप क्या एफर्ट दे रहे हो? आप तो बैठ के सुन रहे हो क्लास में, जो सर बता रहे हैं वो लिख रहे हो, जो सर बोल रहे हो वो कर लो, थोड़ा ही तो दे रहे हो, अब उससे जो ज्यादा मिलेगा वो तो एग्जाम का मार्कशीट बताएगा। लिवरेज का बहुत सारा फॉर्म है, आप ऐसा सोचिए, जो मैंने आपको बताया कि एक आदमी 10 रोटी खा के भी भूखा सा रह जाता है और दिन भर बोलता है हम थक गए, और वहीं एक आदमी 2 रोटी खा के भी पूरा दिन एनर्जेटिकली चला लेता है, वो कैसे होता है? सर वो भी ट्रिक सिखाइए आप। हम लोग सुबह से क्लास करने निकलते भूखे रह जाते हैं, दिमाग बीच में बंद हो जाता है। ये लिवरेज कैसे मिलता है पता है? ये लिवरेज मिलता है कॉन्सेंट्रेशन से। मैं आपको समझाता हूं साइंटिफिकली। भूख हमें कहां लगती है पता है? भूख कहां लगती है पता है? दिमाग में। आपने बोलते पेट में भूख लगी ना, भूख दिमाग में लगती, सारा इंस्ट्रक्शन तो यहीं पे आता है, यही तो आपको समझा रहा है, अरे खाना खोजो, पेट में थोड़ी कोई सोचने की शक्ति है, वो फिर सिग्नल वहां पे भी भेजता है कि आपको यहां पे कुछ डालना है, राइट? मतलब खेल सारा दिमाग का ही है। ये दिमाग को कैसे पता चलता है कि आपका पेट भर गया है? खाते खाते आपको पता चलता है ना पेट भर गया, तो दिमाग को पता चलता है, फिर आप खाना बंद करते हो। तो दिमाग को कैसे पता चलता है कि पेट भर गया? जब पेट फूल जाता है तब,
दिमाग पेट तक थोड़ी जा रहा बार बार, ये दिमाग काउंटिंग करता है आपका चूइंग को, चूइंग चूइंग चबाते हो ना जो, उसको दिमाग काउंट कर रहा है। जितना ज्यादा च्यू करके खाओगे उतना जल्दी पेट भर जाएगा। वो थक गया है काउंटिंग उसने कर पेट भर गया। जितना कम च्यू करोगे स्वॉलो करोगे उतना ज्यादा खाना पड़ेगा और ज्यादा खाने से बीमारियां चालू, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने का सिस्टम है, उसको पचाने के लिए बहुत एक्टिविटी चाहिए, वो अपने करते नहीं तो एक्यूमुलेट होता है फैट बन के और वही फैट सारे जब बीमारियों का फसाड़ है। कम खाने वाला आदमी कभी बीमारी नहीं पड़ता, जितना जरूरत था उतना ही दिया, उससे भी कम ही दिया, तो बीमारी जो पैदा अंदर कर रहा है वो अंदर गया ही नहीं, तो फ्री है भाई, ये सच बता रहे हैं आपको। कभी भूख लगे एक बिस्किट का टुकड़ा को अगर 15 मिनट तक चबा चबा के खा लो तो एक बिस्किट से भी पेट भर जाएगा, 2-3 घंटा तक कुछ याद नहीं आएगा। घर पे जब खाना खाते हो एक रोटी का 16 टुकड़ा करके खाओ, 2 रोटी में लगेगा आज खाने का स्वाद भी आया और पेट भी भर गया। और वहीं जो घर में अपने कई बार आप नोटिस करना जो खाते हैं 5-6 रोटियां, उनका सिस्टम देखना, एक रोटी 2 बार में 3 बार में खत्म। क्यों? क्योंकि दिमाग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप ज्यादा क्वांटिटी एक बार में ले रहे हो। दिमाग कैसे काउंट कर रहा है, इतना बार च्यू करने से इसका पेट भरेगा। तो आपने अगर च्यूइंग कम किया है स्वॉलो ज्यादा किया है तो पेट नहीं भर रहा है। सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप खाना कम करिए, मैं ये बोल रहा हूं कभी जिंदगी में ऐसा मुकाम आ जाए कि थोड़े में ज्यादा चलाना है, कभी ट्रेन में लॉन्ग जर्नी में फंस गए, अब दूर दूर तक खाना नहीं है, जैसे तैसे एक बिस्किट का पैकेट मिला, साथ में 6 लोग बैठे हुए हैं, क्या करेंगे, तड़पते रहेंगे। तो साइंटिफिक तरीका आपको बता दिया, जिंदगी में कौन सा रंग कब देखना पड़े मालूम नहीं है। तो आपके पास तरीका तो है, अब आप उससे बच के निकल लो और अगर उसकी प्रैक्टिस कर लो तो आपके लिए बहुत ही फायदा है, आपका हेल्थ फिट है। और इनफैक्ट मैं तो स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं कि आपका जो पढ़ने का फेज है ना, ये तपस्वियों का फेज है, तपस्या जैसा माहौल आपको अपने अंदर में लाना पड़ेगा। तपस्या मतलब समझ रहे हैं आप, तप, साधु संन्यासी लोग जो करते हैं सैक्रिफाइसेस, कि मैं यहां नहीं जा रहा वहां नहीं जा रहा, हर समय एक ही काम में लगा हुआ हूं, खा पी भी कम से कम रहा, दैट इज तपस्या। अगर आप ये कर सकते हो तो आपका दिमाग का कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ जाएगा आप देखिएगा। आप ज्यादा खाने के बाद पढ़ने बैठिए और कम खा के पढ़ने बैठिए, आपको डिफरेंस तुरंत समझ में आ जाएगा। आपने कभी वो गार्डन में देखा है कि छोटा सा बच्चा जो एक सी सो में यहां पे बैठा हुआ है, वो एक बड़ा आदमी जो यहां पे बैठा हुआ है उसको हल्का सा झटका देके उठा लेता है, ऐसे बोले अलग से सी सो के बाहर आके उठा के दिखा, वो हिला भी नहीं पाएगा। ये क्या है? लिवरेज। किस कारण से आया? ये जो मशीन बनाया गया ना यहां पे, इसके कारण आया। फिजिक्स में पढ़े होंगे इसको फलक्रम बुलाते हैं। फलक्रम क्या करता है कि यहां पे अगर किसी ने फोर्स डाला तो वो फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। कम फोर्स से रिजल्ट ज्यादा हो जाते हैं। फलक्रम का काम क्या है? फोर्स थोड़ा सा डालेंगे बट रिजल्ट मल्टीप्लाई आएगा, मैग्नीफाई होके आएगा। जो मशीन ऐसा कर पाता था, फिजिक्स में उसको बुलाते थे लीवर।
खदर है लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, फलक्रम के पोजीशन के ऊपर होते हैं। जैसे आपको अखरोट को काटना है, आप उंगली से ऐसे दबा के काट सकते हैं, दो उंगली से? कोई रेसलर वेसलर है तो बात अलग है, खली पहलवान जैसा, बट अगर यही दो उंगली एक अखरोट का कटर आता है या कैंची जैसा कुछ आता है उसमें डाल दिया जाए, वही दो उंगली यहां से और यहां से पकड़ के जब दबाओगे अखरोट तोड़ देगा, थोड़े से ज्यादा। कैसे आ रहा है? इस फलक्रम के कारण आ रहा है, जहां पे थोड़ा सा फोर्स मैग्निफिकेशन रिजल्ट्स ला रहा है। ये फलक्रम लीवर का पार्ट बन रहा है। ये लीवर आपको जो फायदा दे रहा है उसी को हम लीवरेज बोल रहे हैं। लीवरेज एक साधारण शब्द के तरह पहले समझो, फिर एफएम में उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे। लीवरेज माने एडवांटेज, कि कम से ज्यादा, करेक्ट। जैसे एक बच्चा है, उसको बिजनेस करना था अपना, और उसको उसके दादाजी ने पैसे दे दिए, जाओ तू बिजनेस कर लो। वहीं उसका एक और दोस्त है, वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको पैसे नहीं मिल रहे बिजनेस शुरू करने के लिए। तो दादाजी के कारण पहले वाले बच्चे को लीवरेज मिला, लीवरेज मिला मतलब एडवांटेज मिला, मतलब कम मेहनत करके उसको पैसे मिल गए। जहां पे मेहनत कम रिजल्ट ज्यादा, वहां पे वर्ड लीवरेज आता है, ठीक है। एफएम में लीवरेज कैसे कैसे आता है वो आपको भी दिखाने जा रहे हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक बार मेरा एक एग्जांपल को देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि एफएम में लीवरेज अलग अलग तरह से कैसे आ सकता है। अभी एक नया चीज पढ़ा रहे हैं, मैंने डेट वाला तो आपको दिखाया, वो वापस आएगा यहां पे, बट एक नया चीज दिखा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। एक कंपनी का इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है ध्यान से देखो। आप लोग अकाउंट्स में पीएल बनाते हैं ना, पीएल अकाउंट, अभी एफएम में इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। थोड़ा लिखने का एक फॉर्मेट है, उसको लिख रहे हैं, आप देखिएगा। सबसे पहले सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये रूल है, आप फॉर्मेट देखिएगा। जनरली वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आता है, बट हम लोग बोलते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से एक आंसर जिसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर लेस करते फिक्स कॉस्ट, तो जो आंसर आता है उसको जनरली प्रॉफिट बोलते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट, बट एफएम में उसको बुलाते हैं ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट करना है, टैक्स पेमेंट करना है, एक बार यहीं पर रुक जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, बट यहीं पर रुक जाते हैं। अभी सोचो एक कंपनी है, ध्यान से देखना कुछ फैक्ट्स को, जिसका सेल्स 10,000 रुपया होता है, उसका वेरिएबल कॉस्ट सेल्स से जुड़ा हुआ है 60%, तो 6,000 रुपया गया। कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें 4,000, फिक्स कॉस्ट उसमें नहीं है, तो उसका ईबीआईटी कितना हुआ? 4,000, करेक्ट। इस कंपनी ने सोचा कि चलो मेहनत बढ़ाते हैं, एफर्ट बढ़ाते हैं, तो उसने सेल्स को 40% से बढ़ाया, तो 10,000 का 14,000 हुआ। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा क्या? सेल्स बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, हाँ, 60% ऑफ 14,000 लगेगा, 8,400। कॉन्ट्रीब्यूशन पांच हजार छह सौ, फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं, ईबीआईटी 5,600,
आप एक चीज देखना, एफर्ट कितना परसेंट से बढ़ाया तो रिजल्ट कितना परसेंट से बढ़ा, इसका परसेंट निकाल सकते हैं? क्या कर रहे हैं? 1600 by 4000 40% ही तो आया। जितना एफर्ट बढ़ाया उतना ही रिजल्ट आया, ये है एफर्ट, ठीक है, ये है रिजल्ट। सिंस एफर्ट और रिजल्ट बराबर है, इसलिए हम लोग बोलते हैं यहां लिवरेज नहीं है। वो तो इक्विटी वाला आपको याद है ना, एक पे एक, 10 पे 10, वैसे ही केस हो गया। तो लिवरेज तब है जब थोड़े से ज्यादा आए, यानी 40 के एफर्ट से 40 से ज्यादा आना चाहिए। 40 पे 40 लिवरेज नहीं है, नो लिवरेज। नो लिवरेज मतलब जीरो नहीं बोलते, 40 पे 40 यानी 1, 40 पे 40 आ रहा है यानी 1 आ रहा है, 1 आ रहा है मतलब लिवरेज नहीं आ रहा। अब इसी को ऐसे देखो कि यहां पे 10,000 था, ठीक है, यहां पे 6,000 था। इस कंपनी ने कुछ अपना जगह वगैरह ले रखा था जिसका भाड़ा इनका 2,500 जाता था, तो प्रॉफिट आता था 1500। इसने अपना एफर्ट 40% से बढ़ा दिया, 10,000 को 14,000 कर दिया, 6,000 का 8,400 कर दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन 5,600 हो गया। फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा क्या? नहीं, वो तो उतना ही रहेगा। तो ईबीआईटी कितना आ गया? 3100। तो कितना परसेंट से बढ़ा नोटिस करिएगा, यहां से यहां 40% बढ़ा, यहां से यहां 3100 माइनस 1500 बाई 1500 कितना परसेंट से बढ़ा? 106.67% से। मेहनत कितना बढ़ाए थे? 40 से। और रिजल्ट कितना से बढ़ा? 106 से, करेक्ट, 106/40। लिवरेज है, यस, देयर इज अ लिवरेज। तो आप दोनों सिचुएशन से ये समझ पा रहे हैं कि लिवरेज आया किसके कारण, क्या चीज के कारण लिवरेज मिला आपको? यस, फिक्स कॉस्ट के कारण। जब फिक्स कॉस्ट नहीं होता है तो जितना मेहनत करोगे उतना नतीजा मिलेगा। जब फिक्स कॉस्ट होता है तो मानते हैं टोटल में रिटर्न थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जितना मेहनत करते हो उससे ज्यादा नतीजा आता है। लेकिन लिवरेज है ना, हाथ कटता है। एडवांटेज है तो नुकसान भी है। क्या नुकसान? कल को सेल नहीं हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो हो जाएगा। इस कंपनी का सोचो, सेल नहीं हुआ, जीरो, वेरिएबल कॉस्ट जीरो, फिक्स कॉस्ट भी जीरो, ईबीआईटी जीरो, सब चीज जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिनका फिक्स कॉस्ट है उसको तो 2,500 देना ही होगा, हाथ जल जाएगा। तो जो लिवरेज का फायदा उठाना चाहते हैं उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, जो आराम नहीं कर सकते। आप देखिए, स्ट्राइक होता है ना कभी कहीं, बंदी, पॉलिटिकल स्ट्राइक, तो ये पान वाला, ठेला वाला, तुरंत आराम। स्ट्राइक माने कहीं पे भी साइड कर लिया और आराम फरमा रहे हैं। आज कहां से कुछ होगा, आज कुछ नहीं होगा। क्यों? सेल कुछ नहीं, वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं, फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं, तो कमाई भी कुछ नहीं, न लेना न देना। वहीं आप सोचिए, जो बिजनेसमैन है वो पैनिक हो जाता है, जिसके ऊपर महीने का फिक्स कॉस्ट का जिम्मेदारी है। अब उसका आज का फिक्स कॉस्ट कुछ सेल करके उठता,
अब वो तो नहीं उठेगा आज, उसको ये डर लगने लग जाता है कल फिर मेरे को 2 दिन का सेल करना पड़ेगा, ये क्या स्ट्राइक 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 चल रहा है, मैं नहीं कर पाया तो बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा। तो जो फिक्स कॉस्ट बांधते हैं उनके ऊपर लोड भी आता है कि वो आराम नहीं कर सकते, तो उसको बेनिफिट भी तो मिलता है जिंदगी में, कम से ज्यादा जल्दी से वो मल्टीप्लाई कर पाते हैं, तेजी से आगे बढ़ पाते हैं। जैसे बिजनेस करने का 2 तरीका होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, तो मेरे पास पढ़ाने का एक और जरिया था, मैं क्या करता किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से टाई अप करता, ठीक है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बोलता देखिए हमारे जितने स्टूडेंट आएंगे अगर उनसे 100 रुपया मिलेगा मेरे को तो मैं आपको 30 रुपया दे दूंगा और फिर 70 रुपया मैं ले जाऊंगा, मेरा कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होगा, कमाई आएगी तो आपको 30 रुपये दे दूंगा। तो ऐसा मॉडल अगर हम लोग चलाएंगे तो क्या होगा, जिस दिन कोई स्टूडेंट नहीं आया उस दिन सेल 0, उनको भी कुछ नहीं देना, अपने भी कुछ नहीं, कोई नहीं, घर से गया नहीं तो आराम करो। लेकिन अब यही मॉडल दूसरा कर दो कि आप अपना एक एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट बना लो, उसका महीने का भाड़ा लगेगा, अब आपके यहां सेल नहीं आएगा यानी स्टूडेंट नहीं आएगा तो भाड़ा तो देना ही होगा, तो आप आराम कर सकते हो। और जहां आपके यहां पे आराम के ऊपर पाबंदी लग गई वहीं आपकी तरक्की शुरू हो गई, क्योंकि आप दिन रात मेहनत तो करोगे और मेहनत करोगे तो ही तो तरक्की होगी। तो आइडिया लिवरेज का यही है कि आपको कुछ ऐसे साधन अपने फाइनेंस स्ट्रक्चर में सेट करके रखने होते हैं जिसके कारण आपको फायदा मिले। हाँ, फायदा के लिए आपको ये अलार्म भी अपने साथ रखना है कि क्या क्या और उसके लिए एक्स्ट्रा करना है, आराम नहीं चलेगा तो उसका फायदा का मजा भी मिलेगा, करेक्ट। और पहला जो फायदा मैंने आपको अभी सिखाया वो सिखाया फिक्स कॉस्ट के कारण, इस फिक्स कॉस्ट का नाम है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। क्या नाम है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट बिजनेस रिलेटेड फिक्स कॉस्ट मानते हैं। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में आता है रेंट, सैलरी, टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस, जो बिजनेस रिलेटेड फिक्स कॉस्ट है वो यहां पे आते हैं। ओके, सो ये जो फिक्स कॉस्ट है उसका नाम ऑपरेटिंग है, तो इसमें जो लिवरेज दिख रहा है ना उसका नाम भी इसी पे रख दिया, इसका नाम है ऑपरेटिंग लिवरेज। तब कनेक्ट कर पाएंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज माने वो ये लिवरेज है जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण मिलता है। तो जिस कंपनी में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं है उधर लिवरेज 0 नहीं है, 1, नो लिवरेज मतलब 40/40, 1, और यहां पे लिवरेज है तो लिवरेज है तो कितना है, 106 आ रहा है 40 जा रहा है ना, 40 का एफर्ट देके 106 आ रहा है तो इसका आंसर आ रहा है 2.66। अंडरस्टूड? तो लिवरेज नहीं है मतलब 1 है, लिवरेज है मतलब 2.66 है, और वो लिवरेज अगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से मिला तो उस लिवरेज का नाम है ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, चलिए आप मैट में आइए एक बार। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 में आइए, देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन। लीवर इज अ मशीन विच ट्रांसमिट्स फोर्स इनटू एक्शन। ठीक है, लीवरेज इज द एक्शन ऑफ लीवर एंड द एडवांटेज डिराइव्ड फ्रॉम इट। इन फाइनेंस द टर्म लीवरेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ अ फर्म
टू यूज फिक्स कॉस्ट. अंडरलाइन करना, टू यूज फिक्स कॉस्ट टू मैग्निफाई द रिटर्न टू शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के लिए फिक्स कॉस्ट का आप कैसे सहारा लेते हैं, उसी को ही हम लिवरेज बोलना चाह रहे हैं. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट और सोर्स ऑफ फंड फॉर विच द फर्म हैज टू पे अ फिक्स चार्ज. एग्जाम्पल डेट, एग्जाम्पल डेट, ब्रैकेट में लिखो एग्जाम्पल डेट. देखो लाइन को पढ़ो. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट और सोर्स ऑफ फंड फॉर विच द फर्म हैज टू पे अ फिक्स चार्ज. तो डेट का फिक्स चार्ज लगता है, आपको देना ही होगा. अगर आप डेट लेते हो तो आपको लिवरेज मिलता है ना. डेट से बोलो या फिक्स कॉस्ट से बोलो, बात एक ही है, क्योंकि डेट में भी फिक्स इंटरेस्ट होता है. द लिवरेज इफेक्ट इन फाइनेंस के लिए एग्जाम्पल बनाया गया है नो फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का, जिसमें आप ये डेटा को फिलअप कर लेंगे. इसको फिलअप कर लीजिए. पहला केस है नो फिक्स कॉस्ट का, दूसरा केस है विथ फिक्स कॉस्ट का. करिए, कॉपी करिए अच्छे से. हुआ? मैंने आपको ऑपरेटिंग लिवरेज अच्छे से पढ़ा दिया. ऑपरेटिंग लिवरेज का ऑफिशियली जो मीनिंग है वो आपको एक बार बताते हैं. ऑपरेटिंग लिवरेज का ऑफिशियल मीनिंग है, एक बार आप लिखना, मैं आपको लिखाऊंगा सब कॉपी में. अभी कॉपी में हम आए नहीं है, ठीक है? कॉपी में मैं अपने तरफ से सब लिखाऊंगा आपको. अभी फिलहाल आपको समझा रहा हूं डिस्कशन. आप जितना सुनोगे उतना ज्यादा सीखोगे. लिखते लिखते आदमी भूल जाता है सुनना, तो जितना आप सुनोगे उतना जल्दी सीखोगे. ऑपरेटिंग लिवरेज में मैंने अभी आपको दिखाया ना 2.66, तो मैंने क्या किया, 106.67% को 40% से डिवाइड किया.
यानी मैंने क्या किया, आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी को परसेंटेज चेंज इन सेल्स से डिवाइड किया। देख लीजिए आप, सेल्स का चेंज 40% था, ईबीआईटी का चेंज 106.66% था। यही ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला माना जाएगा आपसे। हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज? इट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, वेरी सिंपल। ठीक है, जो आपको यह दिखाता है कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होने से आपकी कंपनी में फायदा होता है कि नहीं होता है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यह है कि यह आपको सिखा दे कि जितने तरह के लिवरेज है वो सब आपको मालूम पड़ जाए। ये तो पहला हुआ। दूसरा लिवरेज को समझने चलिए एक बार। दूसरा लिवरेज तब समझ में आएगा जब आप अपना इनकम स्टेटमेंट का आगे का पोर्शन सीखोगे। ईबीआईटी तक सीख दिया था या आप वापस शुरू से बनवा लीजिए। सबसे पहले सेल्स, लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, लेस इंटरेस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं ईबीटी। ठीक है, लेस टैक्स, इसको बोलते हैं ईएटी। ईबीटी मतलब अर्निंग्स बिफोर टैक्स, ईएटी माने अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ये एक रूल है कि इंटरेस्ट ही पहले माइनस होगा, टैक्स बाद में माइनस होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स के जितने भी देश हैं हर जगह एक ही नियम बना रखे हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कि पहले इंटरेस्ट माइनस होके टैक्स देना है। इससे क्या होता है, टैक्स में बेनिफिट होते हैं। जैसे अगर मैं 100 रुपया पे टैक्स भरूंगा 30%, तो 30 रुपया टैक्स चला जाएगा। अब 100 में अगर इंटरेस्ट 10 रुपया माइनस करके 90 रुपीज पे टैक्स भर रहा हूं तो 90 पे 30% टैक्स का अमाउंट कम हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दिया हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड, खाली इंडिया की बात नहीं। इसलिए पढ़ाई जो आप कर रहे हो उसमें हमेशा इंटरेस्ट पहले माइनस होगा, टैक्स बाद में माइनस होगा। ओके, अब यहां पे रुक जाते हैं। यहां से यहां तक को विजुअलाइज करो। क्या आपको लगता है इसमें इंटरेस्ट फिक्स्ड है? काम हो चाहे नहीं हो लगेगा ही। टैक्स फिक्स्ड है क्या? टैक्स फिक्स्ड है। टैक्स तो परसेंट पे, प्रॉफिट होगा तो देना है, नहीं प्रॉफिट हुआ तो कुछ नहीं देना है। इंटरेस्ट फिक्स्ड है ना, तो फिक्स का डर भी है तो फायदा भी है। तो फिक्स का डर यह है कि आप अगर बिजनेस नहीं चला पाए तो इंटरेस्ट तो चुकाना ही होगा। ठीक है, और फायदा यह है कि लिवरेज मिलेगा। इससे जुड़ा हुआ भी लिवरेज उसी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है जैसे मैंने आपको ऑपरेटिंग में समझाया कि विदाउट इंटरेस्ट क्या होगा, विथ इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसमें उसी तरह से अगर मैं डिराइव करूं तो इसका जो लिवरेज आया उसका नाम पड़ा फाइनेंशियल लिवरेज। सर ऑपरेटिंग में समझ में आया, वो फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग था, इसका नाम फाइनेंशियल क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का दूसरा नाम होता है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। मतलब ये फिक्स कॉस्ट किस कारण से लग रहा है? फाइनेंस लेने के कारण। डेट एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वो लिया इसलिए इंटरेस्ट लग रहा है। तो जो फाइनेंस लेने के कारण लग रहा हो उसका नाम है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो उसका नाम ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्यों था सर? क्योंकि वो बिजनेस करने के कारण है। तो बिजनेस फिक्स कॉस्ट बोलने से अच्छा नहीं लगता, इसलिए बोलते ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। बिजनेस चलने के कारण है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ये फाइनेंस के कारण है इसलिए फाइनेंस फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से कौन सा लिवरेज मिला? ऑपरेटिंग लिवरेज। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से कौन सा लिवरेज मिला? फाइनेंशियल लिवरेज। अच्छा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का जब लिवरेज समझ रहे थे तो सेल्स और ईबीआईटी को लेके समझते हैं। यहां पे अपने लेके समझते हैं ये वाला परसेंटेज चेंज इन ईएटी बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। कहां से कहां तक का पढ़ाई करना है? यहां से यहां तक का।
कि ईबीआईटी में अगर चेंज आ जाए तो ईएटी में कितना चेंज आएगा, और वो ज्यादा आएगा ही अगर विदाउट इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट को लेके उसी तरह से आप डेटा फिल करके कंपेयर करेंगे। हम लोग बार बार उसका डेरिवेशन में घुसना नहीं चाहते। अगर आप जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज में देखे नो फिक्स कॉस्ट और विथ फिक्स कॉस्ट, वैसे यहाँ पे नो इंटरेस्ट और विथ इंटरेस्ट लेके अपने आप वैल्यू बैठा के आप देखोगे तो वो ज्यादा आएगा ही आएगा, ठीक है। वो जो ज्यादा आ रहा है उसी को फाइनेंशियल लिवरेज बोल रहे हैं। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि नीचे क्या लेना है ऊपर क्या लेना है। ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या लिया था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यहां पे क्या ले रहे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन ईएटी बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है। अब किसी किसी ने बोला आप ईएटी क्यों लेते हैं, आप और नीचे चले जाइए। ईएटी के बाद मान लीजिए और कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है तो ईएटी के बाद आता है नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। डेट फाइनेंस था, इक्विटी फाइनेंस था, तो अब डेट वालों को इंटरेस्ट दे दिया, अब जो अर्निंग बची वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देंगे। तो ईएटी बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करने से ईपीएस आता है, ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर। क्या आता है, अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस। तो आप यहां से जो एनालिसिस कर रहे थे, किसी ने बोला यहां से नहीं करके आप यहां पे आके ईपीएस पे करो, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस करो, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, इससे लेके एनालिसिस करो। तो दोनों से एक ही आंसर आता है, क्यों, क्योंकि अगर ईएटी चेंज होगा, ईएटी बढ़ेगा तो ईपीएस भी बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स थोड़ी बढ़ रहा है, अर्निंग बढ़ रहा है तो ईपीएस बढ़ जाएगा। पहले हम अर्निंग 5 लाख करते थे, 1 लाख शेयर था तो 5 रुपया, अब अर्निंग 6 लाख करेंगे, 1 लाख शेयर है तो 6 रुपया आएगा, तो कितना परसेंट से बढ़ा, 20% से। तो ये भी कितना परसेंट से बढ़ा, 20% से। तो फर्क नहीं पड़ता, बस आपका लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ध्यान रहेगा। ये इंटरेस्ट का क्या नाम है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ये इंटरेस्ट का क्या नाम है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। उससे लिवरेज का क्या नाम है, फाइनेंशियल लिवरेज। तो लोगों ने क्या किया यार, पढ़ाई बनाते बनाते उन्होंने इससे जुड़ा हुआ रिस्क का भी नाम रख दिया। मैंने बोला ना, हर लिवरेज के साथ जुड़ा हुआ रिस्क है। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट लिवरेज लाता है तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का रिस्क भी है। रिस्क का क्या नाम होगा, आप रखो, फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लिवरेज भी ला रहा है, क्या नाम है, ऑपरेटिंग लिवरेज, तो रिस्क भी ला रहा है, उसका नाम क्या होगा, ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क। तो रिस्क कितना तरह का है, दो तरह का। फिक्स कॉस्ट कितना तरह का है, दो तरह का। लिवरेज कितना तरह का है, दो तरह का। फिर से, फिक्स कॉस्ट कितना तरह का है, नाम, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। तो उससे जुड़ा हुआ रिस्क कितना तरह का है, दो, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। उससे जुड़ा हुआ लिवरेज कितना तरह का है, दो, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज। लेकिन ऑपरेटिंग लिवरेज सेल्स और ईबीआईटी लेके चल रहा है, फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी और ईपीएस लेके चल रहा है। अब ईपीएस लो या ईएटी लो, बात ही की है, ठीक है। लिवरेज एक्चुअली 3 तरह का है, फिक्स कॉस्ट भी 3 तरह का है, रिस्क भी 3 तरह का है। तो ये तीसरा कहां से आ गया, तीसरा है फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट माने ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो रिस्क भी उससे जुड़ा हुआ को क्या बोलेंगे, टोटल रिस्क। उससे जुड़ा हुआ लिवरेज को क्या बोलेंगे, कंबाइंड लिवरेज। लिवरेज का नाम में टोटल लिवरेज नहीं रखा, क्या रखा, कंबाइंड लिवरेज। तो कितना तरह का लिवरेज हो गया, 3 तरह का, नाम, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। उसी तरह से कितना तरह का रिस्क हो गया, 3 तरह का, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, टोटल रिस्क। कितना तरह का फिक्स कॉस्ट हो गया, 3, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। इस चैप्टर में अब बस आपको सीखना है कि ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए,
कंबाइंड लिवरेज ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, क्या सही है, तीनों में बैलेंस कैसे मेंटेन करें, क्या ज्यादा होना सही है या कम होना सही है, ये पढ़ाई अभी पेंडिंग है। और ये जो कैलकुलेशन यहां पे आए आप देख रहे हैं, अभी तो मैंने फॉर्मूला से ज्यादा बात किया, नंबर्स आपको नहीं दिए, हम लोग क्या करेंगे, आपको सम्स देंगे जिसमें रॉ डेटा रहेगा, जिसको आप इनकम स्टेटमेंट में पहले लिखोगे तो आपको ईबीआईटी मिलेगा, ईएटी मिलेगा, ईपीएस मिलेगा, उसके मदद से लिवरेज निकालोगे। उल्टा कैलकुलेशन भी देंगे, लिवरेज देंगे, बोलेंगे इनकम स्टेटमेंट बनाओ और रॉ डेटा निकालो, मिसिंग फिगर निकालो। हम लोग आपको क्या चीज में तंग करने वाले हैं कि कभी डेटा देके लिवरेज निकालेंगे और कभी लिवरेज देके बोलेंगे डेटा निकालो। बट पढ़ाई जो है वो इतना ही है कि तीन तरह का फिक्स कॉस्ट, तीन तरह का रिस्क, तीन तरह का लिवरेज। ठीक है, चलिए अब कॉपी में लिखते हैं, ये दो मिनट लिखेंगे कॉपी में। हेडिंग दीजिए थिंग्स टू स्टडी इन द चैप्टर। Things to study in the chapter. Number one, types of fixed cost. Number two, types of risk. Number three, types of leverage. नंबर फोर, एनालिसिस ऑफ लिवरेज, जो मैंने अभी सिखाया नहीं, मैं बोला ना बैलेंस कैसे रहेगा, कौन सा ज्यादा कौन सा कम, कौन सा क्या रहेगा उसके ऊपर। फिफ्थ, इस पढ़ाई के ऊपर अभी कुछ भी चर्चा नहीं की गई है, वो है टाइप्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या है ब्रेक इवन, आपने सुना होगा पहले, मतलब क्या होने से नो प्रॉफिट नो लॉस। ये जब फिक्स कॉस्ट का लोड रहता है ना तो आदमी डरता है, वो सोचता है यार मिनिमम कितना होना चाहिए जिससे नुकसान तो ना हो, मिनिमम मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे मेरा नुकसान ना हो, उसके लिए ब्रेक इवन का पढ़ाई आता है। ये फिक्स कॉस्ट जब जब होता है तो उससे जुड़ा हुआ रिस्क होता है, तो उस रिस्क को समझने के लिए इंसान ब्रेक इवन निकालता है। तो इसके बारे में भी अभी कुछ चर्चा हुई नहीं आपके साथ, हो जाएगी, ये अगला क्लास का डिस्कशन में रहेगा। ओवरऑल टाइप्स ऑफ सम क्या रहेगा, आपको छोटे छोटे कैलकुलेशन से गुजरते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवरेज निकालने आने चाहिए, या लिवरेज दिया हो तो उससे डेटा निकालना आना चाहिए। ठीक है, साइड का स्टडी है, एक्स्ट्रा स्टडी जो बेसिक में आपको पता होना चाहिए, साइड वर्क बोल सकते हैं आप। ये आपको एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो भी मैंने सिखाया ईफेश तक पहुंचने का, सॉरी ईपीएस तक पहुंचने का, वो फॉर्मेट आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, अच्छा इनकम स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट आपको एक बार दिखा देंगे हम वापस से, वो आप अपना मैट में देखिए पेज नंबर 9 में जाके देखिए, यहां लिख दीजिए पेज 9। सेल्स है, लेस वेरिएबल कॉस्ट है, दिख रहा है, तो कंट्रीब्यूशन आप वहीं पे देखो, आपको लिखना नहीं है, कंट्रीब्यूशन है, लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, तो ईबीआईटी है, लेस क्या किया हुआ है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद ईबीटी आया, ईबीटी के बाद लेस किया टैक्स, ईएटी आया, यहां तक तो मैं सिखाया ही था, एक नया चीज दिखा रहा हूं उधर, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे लिवरेज का पार्ट बनता है, एक्चुअली प्रेफरेंस डिविडेंड भी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का हिस्सा माना जाता है, मैंने उसको लेके अभी कुछ बताया नहीं, बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये सम्स में ज्यादा यूज नहीं होता, बट फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में एक इंटरेस्ट भी आता है, एक प्रेफरेंस डिविडेंड भी आता है। ठीक है,
तो ईएटी के बाद जो आता है उसको बोलते हैं ईफेश, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस वालों को देने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर कुछ खाता है, तो ईफेश के बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स उसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है ईपीएस। मेरे ऊपर के एग्जांपल में मैंने ईफेश इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, तो मैंने बोला ईएटी से ईपीएस निकाल लो, ठीक है। बट प्रेफरेंस डिविडेंड होने से जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं, इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं तो अर्निंग पर शेयर आता है। इसमें इनका एक सवाल आ रहा है सर, कुछ डिविडेंड बोल के ईफेश में से दे दिया जाएगा और कुछ कंपनी अपने लिए रख लेगा तो वो ईपीएस के बाद होता है। ईपीएस में से मतलब इसमें से कुछ रुपया कंपनी अपने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देता है और बाकी रुपया फिर डिविडेंड में दे देता है, तो उससे डीपीएस निकाला जाता है, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। हम लोग अभी डिविडेंड पर शेयर की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग ईपीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। ईपीएस मतलब कंपनी ने कितना कमाया, अब उसको वो रखे या दे उससे अपने को मतलब नहीं है, वो डिविडेंड पॉलिसी जब पढ़ाएंगे तब आएगा, ठीक है। ओके, दूसरा साइड कैलकुलेशन पढ़ाना है आपको, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसको शॉर्ट में पीवी रेशियो भी बुलाते हैं, और इसका कैलकुलेशन होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स बोलकर। मतलब कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स से एक रेशियो आता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये सब आपका कॉस्टिंग में और डेप्थ में जाएगा, बट फिलहाल इतना जानने से काम हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, एक चीज देखो, रुको, कंट्रीब्यूशन कैसे आ रहा है देखो, दो तरीका से आ रहा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर उल्टा भी जा सकते हैं ना, कैसे, ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट, हाँ एक ही आंसर आएगा, दोनों तरह से आना चाहिए आपको, ठीक है। पीवी रेशियो निकालने का एक तरीका ये भी है, सॉरी कंट्रीब्यूशन निकालने का दो तरीका आपको दिखाया मैंने, एक है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा है ईबीआईटी प्लस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, दोनों काम आता है। एक और फॉर्मूला है पीवी रेशियो निकालने का, वो है चेंज इन ईबीआईटी बाय चेंज इन सेल्स, दोनों से एक ही आंसर आता है। अच्छा देखना, परसेंटेज चेंज नहीं है, चेंज, चेंज कैसे आएगा मैं दिखाता हूं एक बार, देखो आप लिख लीजिए इसको, एग्जांपल देखिए, सेल्स है 100, वेरिएबल कॉस्ट है 60, कंट्रीब्यूशन है 40, तो मुझे बताओ यहां पे पीवी रेशियो कितना हुआ, 40 बाई 100 हुआ, 40% हुआ। सोचो सेल्स 100 का 150 हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा क्या, 100 पे 60 है तो 150 पे 90 हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन 60, तो पीवी रेशियो क्या आया अगर कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स करते हैं, 40 तो आया। एक और सोचो चेंज कितना आया, चेंज, चेंज मतलब बड़ा माइनस छोटा, 50 यहां पे, 30 यहां पे, 20, करेक्ट। तो आप 20 बाई 50 करें तो भी तो वही आंसर आ रहा है, क्यों, क्योंकि जितना से सेल बढ़ा उतना से कंट्रीब्यूशन बढ़ा, तो पीवी रेशियो वापस उतना ही आया। अब इसमें देखो, कंट्रीब्यूशन से लेस क्या करते हो आप, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, मानो वो आपका 30 है तो प्रॉफिट कितना आया, यानी ईबीआईटी कितना आया, 10, ठीक है। अब सेल अगर बढ़ गया तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा क्या, नहीं, तो 30 यहां पे भी माइनस होगा तो ईबीआईटी 30 आया। मैं ये नहीं बोलता पीवी रेशियो माने ईबीआईटी बाई सेल्स, गलत हो जाएगा, 10 बाई 100 करो पीवी रेशियो 10% आएगा, रॉन्ग है, पीवी रेशियो 40% है,
यहाँ पे 30/150 पीवी रेशियो 20% आ जाएगा, रॉन्ग है, बट जबकि पीवी रेशियो इज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स। अभी देखो यहाँ पे चेंज वाला में आओ, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जीरो, तो EBIT का चेंज कितना आया, 20 माइनस जीरो इज 20, और EBIT बाय सेल्स करो इसको और इसको डिवाइड करो, यानी चेंज इन EBIT बाई चेंज इन सेल्स लो, देखो 20/50 कितना आया, 40%। EBIT बाई सेल्स रॉन्ग है, EBIT बाई सेल्स रॉन्ग है, 10/100 नहीं कर सकते, 30/150 नहीं कर सकते, लेकिन अगर चेंज इन EBIT बाई चेंज इन सेल्स करते हो तो सही है, जो पीवी रेशियो का आंसर आना चाहिए वही आएगा, 40%। देखिए यहां पे भी 40, यहां पे भी 40, यहां पे भी 40, चेंज पे सही है, इसलिए क्या लिखा मैंने, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स लीजिए या फिर चेंज इन EBIT बाय चेंज इन सेल्स लीजिए। एक मिनट और, इसको ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला से कंफ्यूज मत करिएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, एक ये देखिए क्या लिखा था, क्या एक्स्ट्रा जुड़ रहा है पता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, उससे पूरा आंसर का रूपरेखा चेंज हो जाता है। आप ये नहीं बोलना सर परसेंट तो कट गया, बात तो बराबर है, ना 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 ना, ऐसे नहीं कट सकता परसेंट, ये पूरा आंसर ही बदल देगा, इसका जो आंसर आ रहा है और उसका जो आंसर आ रहा है एकदम अलग आता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज में परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स है, और पीवी रेशियो में क्या है, सिर्फ चेंज है, नॉट परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपका आज का काम हो गया, ये एग्जांपल भी लिख लीजिए, याद रहेगा। ठीक है, आपको जस्ट थोड़ा सा घर पे पढ़ने का काम देते हैं, एक तो मैंने वो बोला है बेसिक्स आप थोड़ा पढ़िएगा, और दूसरा होमवर्क में एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 ऑफ पेज नंबर 10 पेंसिल से वहां पे भर के करके लगेगा। नहीं 1 नहीं होगा, एग्जाम्पल 2 होगा खाली, आपसे 1 छोड़ दीजिए, अभी 1 जितना पढ़ाया नहीं, एग्जाम्पल 2 कर सकते हैं, ठीक है। अगला दिन हम लोग कैरी ऑन करेंगे, आज यहीं पे हम लोग क्लोज कर रहे हैं। आप रिवाइज करिए, हेडिंग को थोड़ा दिमाग में बैठाइए, कितना तरह का फिक्स कॉस्ट, कितना तरह का रिस्क, कितना तरह का लिवरेज, और कौन से लिवरेज में कहां पे एफर्ट डाल रहे, कहां पे रिजल्ट आ रहा है, उसको एक बार रिवाइज करते करते आप निकल जाइए। आज यहीं रोकते हैं, थैंक यू।